दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहां पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखेंगे चमत्कार। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जा रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 पड़ेगा पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर उन पर आप जल अर्पित करोगे तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के देखिए, वो आपकी हर एक मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे। भगवान शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव जी दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप शिव जी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य सदा ही बना रहेगा। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास में आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों माता को एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी सिंदूर जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए
चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन का मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर से करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकती हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र उपलब्ध है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों खास बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे तरीके से तैयार करवा ले, और इसके बाद में उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों चौथा कार्य, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं, पहनने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने तो ही बेहतर है। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद चटक कपड़े खास तौर पर सावन के महीने में इनसे दूरी बना ले। दोस्तों पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर से रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा सा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य से लगाइए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर से लगाइए। सावन मास में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। दोस्तों छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि हर महिला को खास मौके पर करना भी चाहिए। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया कि मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें, और वस्त्रों के रंग का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन में जरूर से पहनिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है, और स्वयं आपके घर में पधारते हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर से पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसा कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना भी हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें, और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों में बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी भी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। दोस्तों आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्या भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं, और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों ऐसे में आपको ये सभी आठों कार्य करने हैं,
जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाता है, आपका व्रत अधूरा रह जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में सावन मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के मास में भोजन संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम सावन मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन माह को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी मनुष्य दानव तथा देवगण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो बहुत ही पुण्यवान है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्र गणों के साथ शेयर करें। सावन के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही शिव जी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता भी नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवजी का अभिषेक करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर से चढ़ाइए। बेलपत्र भगवान शिवजी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवजी पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करने पर शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार व्रत में आप पपीते का फल जरूर से खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास करते हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारणतः नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाने चाहिए। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केले, सेब, जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं सावन में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तांत्रिक चीजों का सेवन ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली,
अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचें। इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति सावन में मांस खाता है वो तुरंत ही विनष्ट होता है और शिव जी उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। सावन के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है, जिस कारण से ये मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण ये भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको सुनकर के हैरानी हुई होगी कि हरी पत्तियां आखिर खाना क्यों मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वात में वृद्धि होती है, इसीलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। सावन में साग, पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी तेजी से होती है और इन सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और पनपने लगते हैं। इसीलिए इसका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। सावन के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाने से शिव जी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्य के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधित समस्याएं निर्माण हो सकती हैं, जैसे पित्त आदि से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सावन के महीने में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। सावन मास में संध्या के समय भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सावन के महीने में सोमवार को उपवास जरूर से रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर सोकर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी।